मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते दिनों हुए सिलेंडर ब्लास्ट कांड में माता पिता और 5 साल के बेटे के बाद अब 7 वर्षीय कुसुम ने भी दम तोड़ दिया। वहीं अभी एक और गंभीर रूप से घायल एक बच्चे का इलाज जारी है, जिनकी स्थिति अभी खतरे में बताई जा रही है। दरअसल ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में आने वाले सिंधिया नगर में 30 मार्च को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें घर में मौजूद माता पिता और 3 बच्चे आग में झुलस गए थे। सिलेंडर ब्लास्ट कांड में माता पिता और 5 वर्षीय राजा की मौत हो गई थी। वहीं अब गुरुवार को एक बच्चे ने और दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा के शव को परिजनों को दे दिया है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में जो है सिंधिया पहाड़ी पर जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उससे जो 5 लोग इंजर्ड हुए थे उस समय गंभीर रूप से, उसमें से अभी तक 4 लोगों की डेथ हो गई। अभी चौथे की भी इलाज चल रहा था तो उसकी भी डेथ हो गई है। और अभी जो है एक बच्ची जो है रेशमा, करीब 17 वर्ष की, वो उपचाररत है और उसका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। अभी तक उनके परिवार में माता पिता और एक भाई तथा एक बहन, 4 लोगों की इलाज के दौरान डेथ हो चुकी। बॉडी जो परिवार को, हाँ, बॉडी उनके परिजनों को, रिश्तेदारों को कॉल करके उनके सुपुर्द।